हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाई से रिलेटेड कुछ तथ्यों को जानेंगे। तो समय को जाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पाई एक मिस्टीरियस नंबर है। यह कभी ना खत्म होने वाला एक कांस्टेंट है, जिसका अब तक 22 ट्रिलियन प्लेसेस तक एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट किया जा चुका है। पाई का इतना ज़्यादा वैल्यू कैलकुलेट करना उतना भी सरल नहीं था जितना आप सोच रहे हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर के 24 हार्ड ड्राइव का प्रयोग करना पड़ा था। इस काम को अंजाम देने में कंटिन्यूसली 105 दिन की कड़ी मेहनत लगी थी। पाई से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका डेसिमल नंबर आपस में कोई पैटर्न शो नहीं करते। पाई एक नॉन कांस्टेंट वैल्यू है, जिस कारण इसका वैल्यू याद रखना संभव नहीं। मगर भारत के एक छात्र मीना कुमार ने 21 मार्च 2015 में पाई का 70,000 वैल्यू याद करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। इस रिकॉर्ड को अंजाम देने में मीना कुमार को 9 घंटे का लंबा समय लग गया। इसके अलावा जर्मन में 2014 में 500 से ज़्यादा लोगों ने पाई का सिंबल बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। क्या आप जानते हो रॉकेट लॉन्च करने में पाई का कितना डेसिमल वैल्यू यूज किया जाता है? नासा जेट प्रोपल्शन के अनुसार वे पाई का मात्र 15 डेसिमल वैल्यू यूज करके रॉकेट लॉन्च जैसा बड़ा कारनामा कर दिखाते हैं। यूएस स्टेट इंडियाना में डॉक्टर गॉडविन ने स्टेट लेजिस्लेचर में पाई का राउंड ऑफ वैल्यू 3.2 करने की बात कही, मगर लेजिस्लेचर के मेंबर्स को ये बात सही नहीं लगी और ये लॉ फेल हो गया पास होने से। पाई हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कांस्टेंट है, इसलिए 14 मार्च को हम द इंटरनेशनल पाई डे मनाते हैं। यह एक इत्तेफाक ही है कि उस दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म और स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु भी हुई थी।